हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। अभी जो है वो मैं पराम की एक शॉर्ट अपडेट के साथ आया हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पर मैसेज आ रहे थे तो सबको जो है वो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता, तो मैंने कहा एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर मैं आपको क्लेमिंग का प्रोसेस समझा सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दो एक्सचेंजेस जो है वो ऐड हो चुकी हैं हमारे पास, STX और MEXC। तो यहाँ पे दो एक्सचेंजेस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो है वो टोटल हो गई हैं 5 एक्सचेंजेस। तीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि बायबिट है और बिटगेट है और आपके पास डोटायो। तीन एक्सचेंजेस ये हो गई और दो यहाँ पे ये हो गई, तो टोटल 5 एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ये लिस्ट हो रहा है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्लेमिंग के ऊपर। तो क्लेमिंग के लिए आपको जो है वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ जी। तो यहाँ वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिलायंस के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लेम का। तो क्लेम का ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्लेम का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आपको पहले यहाँ से अपना टोकन क्लेम करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपके वॉलेट में जाएंगे। वॉलेट में जाने के बाद आप फिर उसको एक्सचेंज के अंदर लेके जाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था नयान हीरोज का, तो नयान हीरोज के अंदर भी सिंपल क्या था कि आप वेबसाइट के ऊपर से क्लेम करते थे, क्लेम करने के बाद जो है वो आप एक्सचेंज के ऊपर लेके जाके उसको सेल आउट किया था। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे भी यही हमारे पास रूल अप्लाई होगा कि आपके पास यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लेम का ऑप्शन अनेबल होगा आपसे तकरीबन जो है वो 2 घंटे पहले लिस्टिंग, जैसे कि 1 बजे है पाकिस्तानी टाइम। तो लिस्टिंग जो है वो आपके पास जो है 1 बजे है, लिस्टिंग के बाद जो है आपके पास क्लेम जो ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा 11 बजे या 12 बजे पाकिस्तानी टाइम। आपको बता रहा हूँ मैं 11 या 12 बजे इंडियन टाइम, जो इसके आधा घंटा है आप इंक्लूड कर दें इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लेम करना है। तो क्लेम के ऊपर अभी ऑप्शन जो है वो ऑफ है, तो आपने क्लेम करना होगा। क्लेम जैसे करेंगे आपकी फीस लगेगी, फीस जो है वो आपकी आर्बिट्रम में भी है और इथेरियम में भी है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फीस जो है ये करते हैं। तो आप जो है इथेरियम आर्बिट्रम और इथेरियम ERC-20 ये दोनों फीस अपने पास रख लें। यहाँ पे लिख लें ERC-20। तो ये दो नेटवर्क के ऊपर आ रही है, इथेरियम आर्बिट्रम के ऊपर और इथेरियम ERC-20 के ऊपर। इथेरियम ERC-20 पे अगर लगेगी तो फीस आपके पास बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर इथेरियम आर्बिट्रम पे तो आपकी जो है वो $0.10 या $0.20 फीस लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। तो ये दोनों टोकन जो है जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो है ये अपने पास सेव कर लें, अपने पास ऐड कर लें, इथेरियम आर्बिट्रम और इथेरियम ERC-20। तो जैसे इसके क्लेम आएगा, तो क्लेम जैसे आपके पास ओपन होगा तो आप सिंपल क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके वॉलेट के ऊपर। वॉलेट आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो भी इसमें से फीस लग रही होगी वो आपने पे करनी है, तो आपके पास टोकन जो है वो सारे आ जाएंगे वॉलेट के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो आपने वॉलेट से लेके जाने हैं अपने एक्सचेंज के अंदर। अब 5 एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर आप चाहे वो कर सकते हैं। मैं एक्सचेंजेस के लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा। जिसने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया OKX पे या बायबिट पे या Gate.io पर किसी पे भी नहीं बनाया, तो वो वहां से अकाउंट बना ले। वेरीफाई करने में सिर्फ 2 से 5 मिनट लगते हैं। अपना KYC कंप्लीट करें और अपनी फर्स्ट डिपॉजिट जो है उसके अंदर करें। वहां पे जो है लॉन्च पूल भी आ रहा है बायबिट के ऊपर, तो वहां पे भी आप स्टेक करके वहां से भी पराम अर्न कर सकते हैं। तो ये एक छोटी अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आपको बताया जाए किस तरीके से आपने क्लेम करना है, कौन कौन से नेटवर्क हो रहे हैं और कौन सी एक्सचेंजेस ऐड हुई हैं। होप सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें ऐसे ही डेली क्रिप्टो एयरड्रॉप से अर्निंग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।